वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज का ब्लॉग फिर से मैं नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे फिर मेरी बेटी के थे कि उसने फिर से नाश्ता बनाना है खुद, तो वो जब से छुट्टियाँ हुई हैं वो नाश्ता खुद ही बनाती है अपना तकरीबन। वो कह रही थी कि उसने ब्रेड के कॉर्नर नहीं खाने, उनको कट कर दें, तो मैं उसके लिए ब्रेड को कट कर रही थी। दूसरी तरफ वो अपने लिए अंडे को फेंट रही थी। तो ये ब्रेड को कट करने के बाद मैंने उसके लिए रख दी प्लेट में। उसके अंदर एक और अंडा फेंटा और डाल दिया, और उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए नाश्ता रेडी करके दे दिया उसको। वो बैठ के खाने लगी। फिर मैंने अपने लिए नाश्ते की तैयारी की। मैंने अपने लिए, आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ते में कुछ हैवी सा ले लेती हूँ। तो ये ऑमलेट टाइप है, इसमें ऑनियन और बहुत सारी सब्ज़ियाँ और भी डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगते। सुबह सुबह नाश्ते में बहुत हैवी हो जाता है, तो मैं अपने लिए सिर्फ ऑनियन और कैप्सिकम डालूंगी। और उनको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद लाइट सी मिर्च मसाले डालूंगी। बहुत हैवी नहीं खाया जाता सुबह सुबह। हल्की आंच पर रख के मैं अपनी बेटी को खाना खिलाने चली गई थी। सॉरी, नाश्ता। जब भी कोई इस तरह का नाश्ता होता है जैसे फ्राई एग और ब्रेड, वो खुद से नहीं खाती, उसको खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो सोचती हैं कि उसके हाथ ख़राब हो जाएंगे। तो इधर आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी नाश्ता बन रहा था। अभी मैं इसमें एग को डाल दूँगी। दो अंडे मैंने इसमें फेंटे हैं और डाले, बहुत ही लाइट सा नमक और मिर्च और चीज़, और अगर आपके पास धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, वो मेरे पास नहीं था। मैंने सिर्फ मिंट डाला है। चाय भी बनाई। चाय पीने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी, टीवी देखा, बच्चों के साथ फ़ोन किया, और उसके बाद फिर वही रूटीन वाले काम, नाश्ते वाले बर्तन धोए। जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबको मैं वेलकम कहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके, और आप मेरी वीडियोस को देख सकें, लाइक कर सकें। अपना नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी बर्तन धोने के लिए। हम औरतें जब भी काम करती हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो इस तरह मैं भी सोच रही थी कि आप बर्तन धोने के बाद मुझे अपने बेटे को बात करानी है, ये करना है, वो करना है। तो इसी तरह हमारे दिन के काम ख़त्म हो जाते हैं, ये काम ख़त्म करते हैं तो अगला काम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद अगला काम सोचा हुआ होता है कि ये करना है। तो लाइफ किसी की भी आसान नहीं है, अप एंड डाउन लगे होते हैं, बस इंसान को हर टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बट पता है हमारा मसला क्या है, हम अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं, लेकिन हम किसी के लिए बहुत अच्छी उम्मीद होते हैं, हम किसी के लिए बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के लिए हम होप हो सकते हैं। तो अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, हमेशा अपना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें जैसा भी बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनाया है। तो जी, मेरा आज का छोटा सा मैसेज था, प्लीज़ मेरे शेयर कीजिएगा, वीडियोज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 oh
वहाँ चले गए थे बिल्डर्स को देखने। हमारे घर में बिल्डिंग का काम भी हो चल रहा है उधर नए घर में, वहाँ पे बिल्डर्स काम कर रहे हैं, उनको भी देखना होता है साथ साथ। तो आज सैटरडे था, मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी, तो वो चले गए उनको देखने के लिए कि कैसा काम कर रहे हैं। ये सुबह सुबह ही आ जाते हैं, शुक्र है अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको साथ साथ देखना भी पड़ता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक्स कमेंट्स शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।